Prove the following. For two angles of projection theta and anti-minus theta with same velocity, range is same and heights are in the ratio tan square theta is to 1. Solution. Range ka formula hota hai u square sin 2 theta by g. To pehle hum theta 1 equals to theta rakh le to range aa jayegi u square sin 2 theta by g. Aur baad mein theta 2 equals to 90 minus theta rakh le तो रेंज आ जाएगी यू स्क्वायर साइन, यहाँ नीचे लिख लेते जगह नहीं है, थीटा टू इज 90 माइनस थीटा, सो रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा बाय जी. इनको मल्टीप्लाई करें यू साइन स्क्वायर 180 माइनस टू थीटा बाय जी. नो वी ऑल नो दैट साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सो वी कैन सिंपली राइट साइन स्क्वायर थीटा बाय जी. टू यहाँ टू है ना ये वाला, साइन स्क्वायर टू थीटा बाय जी. सो वी कैन कंपेयर द टू, ये हम पहले भी कर चुके हैं एंड वी कैन सी बोथ आर इक्वल. सो हमने साबित कर दिया रेंज इज सेम. अब बारी आती है हमारे सेकेंड पार्ट की, हाइट्स इस रेशियो में अलग अलग हाइट तो अलग अलग होती है, बता भी चुके हैं कि कम एंगल पर हाइट कम होगी और ज़्यादा एंगल पर हाइट ज़्यादा होगी, है ना. अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी. ठीक है, तो ये तो हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी फर्स्ट, और बाद में हम कौन सा एंगल लेना है, 90 माइनस थीटा बाय टू जी. तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय टू जी. तो दूसरी हाइट ये आ गई एच वन और एच टू. अब दोनों का डिवीजन मांगा है, डिवीजन करते हैं एच वन बाय एच टू, इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. टू जी तो दिख ही रहा है कैंसिल हो रहा है, तो मैंने लिया ही नहीं कैंसिल, क्या आया tan स्क्वायर थीटा इज टू 1. तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया.